हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड जो न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस वो कंटिन्यू ब्लॉग चल रहा है, तो बस ये खिड़की भी रह रही थी क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया है यहाँ पे लाइट वाइट लगा दी थी और जो ये रूम था बस इसकी ना खिड़कियाँ रह रही थी, बाकी तो मैंने सब साफ़ कर दिया था। तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और फिर है कल है मंडा, तो रात में मेहंदी वगैरह ये सब भी लगवाना है, तो मैंने सोचा फिर इतना वो नहीं रहने का रात में, क्योंकि काम ही नहीं होगा जब मेहंदी लग जाती है, क्योंकि कल फिर मंडा है। तो इसी वजह से मैंने कहा दिन में ना फटाफट से काम कर लेती हूँ और फिर मेरे को मतलब रात में मेहंदी भी लगवानी है, क्योंकि फिर वैसा ही रहता है। मैं बहुत ही कम वो कर रही हूँ क्योंकि वीडियो तो बहुत कम बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है बस मेरा घर एकदम से क्लीन हो जाए सारा, जहाँ जहाँ मतलब इतनी धूल मिट्टी हो रखी, 8-9 महीने में घर गई हूँ और इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, बुरी हालत हो रखी थी। तो मैंने सोचा ये खिड़कियाँ भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो वॉश करने की सोच रही थी लेकिन फिर वही है कि ख़राब हो जाती है, लकड़ी की होती है ना ये, वो हो जाती है, तो मैंने सोचा गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ इसको। तो गाइस यहाँ पर ये मैंने रख दिया है पॉट, जो यहाँ पर पहले भी रखा रहता था और अभी भी रख दिया है मैंने, पहले ऐसे ही रखा जाता था यहाँ पर। और रूम की जो हालत है वो ऐसी हो गई है जैसे पहले थी, मैंने ऐसी इसको डेकोरेशन कर दिया है जैसे मैं पहले रखती थी इस रूम को। ये देखो अब अच्छे से हो गया है। अब रूम पता है मुझे थैंक यू बोला, थैंक यू मुझे पहला जैसा करने के लिए, सच में अब बहुत अच्छा लग रहा है रूम, वरना पहले जो हालत हो रखी थी रूम के, इतने बड़े बड़े जाले। और ये मैंने पंखा भी साफ़ कर दिया है, तीनों पंखे साफ़ कर दिए यहाँ पर, ये खिड़की वगैरह सब क्लीन कर दी है और बस रूम हो गया मेरा क्लीन। ये वाला तो हो गया, बाकी अभी वो वाला रूम रह रहा है, ये तो मैंने कर दिया पहले जैसा। इसमें तो फीलिंग आने लगी मुझे पहले जैसे, पहले रहते थे ना हम, तो ऐसी फीलिंग आ गई यहाँ पे। ये भी अच्छा लग रहा है, मैं इसे हमेशा यहीं पे रखती थी। और पता है मैंने यहाँ से भी साफ़ कर दिया था, बैंटर में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो यहाँ पे भी बहुत गंदा हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ से भी अच्छे से क्लीन कर दिया, मतलब धुल दिया था बहुत बढ़िया तरीके से, जाला वगैरह सब वो कर दिए। और ये मेरे पास अब बर्तन रह रहे हैं, ये वाला पंखा भी मैंने साफ़ कर दिया है और अभी बस ये वाला रूम रह रहा है और फ्रिज रह रहा है मेरा अभी क्लीन करने को, और बस ये कपड़े वगैरह रखने हैं। और अलमारी फिर से मुझे सेट करनी है, फिर से मतलब वो करना है, अभी भी बहुत सारा काम है। वैसे ये पैसे पड़े हुए थे, अभी भी वैसे बहुत सारा काम है जो मुझे करना है, बाकी जो धूल मिट्टी का था वो मैंने सारा वो कर दिया। और ये हलीन की साइकिल है, जब हलीन के फर्स्ट बर्थडे पे लाए थे मतलब मेरे भैया लाए थे, जो छोटे वाले मम्मी और आई थी, तो और ये हलीन के टॉय ये सब इसमें रख दिए हैं मैंने। और ये हलीन की चेयर है और ये कपड़े मैंने आज वॉश करे थे, बाकी पर्दे वगैरह भी करते और ये भी करे थे, इन पर प्रेस करके रखनी है मेरे को। और अभी हो गई शाम और हलीन छत पर खेल रही है, ये डोगी बैठा है बाहर, हरलीन छत पे खेल रही है। चलती हूँ गेट थोड़ा सा बंद करके, देखो क्या कर रही है हरलीन, पहले गेट बंद कर देती हूँ। पर छत पे ना ये देखो अभी भी ना यहाँ पे ये मुझे साफ करना है, इसमें ना ये पता है जाले झाड़ने का ना टूट गया था यहाँ पे, देखो मुझे साफ कर देता है ये तो मैंने। हाँ जी हाँ जी, गिर मत जाइए। हाँ जी क्या हुआ मम्मी? ये सूज उठा ले, पापा के सूज, ये सूज भी धुले थे मैंने, ये सूख चुके हैं, उठाओ पापा के सूज उठा ले, उठाओ। वेरी गुड गुड, ये लो लो। अरे ये तो उठा ली, ये इसमें डाल दे इसमें। बस आप खेली खेली कर रहे हो छत पे, चलो खेल लो। बाय 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 बाय, खेल लो, खेली खेली कर लो आप, ठीक है। हरलीन का यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से ना मन लग गया है, दो बच्चे मिल गए हैं, मेरी जेठानी की छोटे वाली है ना उसके बच्चे हैं, और एक भी पल के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ रही है लड़की ना,
अच्छा खूब मजे आ रहे हैं इसके। यहाँ पे पूरे गांव में चक्कर लाती है लगा के घूमना, ये कभी उधर कभी इधर। हाँ जी खेल लो बच्चे आप। हाँ ये सूट भी मैंने धुल दिए थे हस्बैंड के, बस सीने ना वो मुझे आता नहीं पहनाना है। कैसे कैसे डालते हैं धागा था इसमें, क्या बोलते हैं तस्मे, क्या बोलते हैं मुझे नाम भी नहीं पता, पता नहीं वो अपने आप डाल लेंगे, मुझे नहीं आते डालने। बाकी मैंने वॉश कर दिए थे। तो गाइस ठीक है, थोड़ा काम कर लेती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ मैं। पता है काम जैसे हो जाता है ना तब मैं तभी करती हूँ। अभी चाय वगैरह के बर्तन पड़े हुए थे वो साफ कर, मतलब करने हैं, अभी करे नहीं है, वो साफ करने हैं मेरे को। वैसे तो सोच रही जितने हैं ना सारे बर्तन वो कर लेती हूँ। ये चाय वगैरह के बर्तन देखो, ये चाय वगैरह थी और ये धुले थे, इनको यहाँ पे रखने हैं। मैं कुछ सोच रही ना बर्तन को ना एक उसमें बंद उसमें रखना है मुझे, ताकि धूल मिट्टी बिल्कुल ना जाए। हलीन गिर बन जाइए बच्चे, क्या हुआ खेलना नहीं है, खेलना नहीं है, आ जाओ फिर आ जाओ। तो वैसे मिल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस ये देखिए हमारे हाथों पे लग चुकी है मेहंदी, और एक पे मतलब सिंपल मैंने बेल से लगवाई है। हलीन इधर से दिखाओ, इधर से जहाँ पे मम्मा बैठे ना वहाँ से दिखाओ, और हलीन की मेहंदी दिखाओ, हलीन की मेहंदी ऊपर को हाथ ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ऐसे जैसे मम्मा दिखा रही है। वाह ऐसे 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 दिखाओ हलीन की मेहंदी, ऐसे वाह। हलीन की ना बहुत ब्यूटी मेहंदी है भाई, है ना। हाँ वाह हलीन की ब्यूटी मेहंदी है। तो गाइस अभी हम मेहंदी लगवा के आ गए थे और हलीन रुको बच्चे रुको। हलीन देखिए ऐसे दिखाओ, अब दिखाओ मेहंदी, चलो दिखाओ। वाह ब्यूटी मेहंदी। तो गाइस हम मेहंदी लगवा के आ चुके थे और हलीन वीडियो भी बनाने दे रही पागल लड़की, और अभी हमें कपड़े भी चेंज करने हैं। अभी तक हमारी मेहंदी थोड़ी थोड़ी गिल्ली है, तो जैसे सूख जाएगी हमें कपड़े चेंज करने हैं, है ना हलीन। हलीन के ब्यूटी वाली मेहंदी लगी हुई ना, हलीन बहुत ज़्यादा रो रही है, ये क्या लग गया है मेरे हाथों में, बट ये ब्यूटी मेहंदी है। हाँ नहीं बी चोट नहीं है, अच्छा इस पे बी चोट पे ना पापा दवाई लगा देंगे, ओके डॉक्टर के पास चलेंगे अभी, ठीक है बेबी, ओके। तो गाइस अभी 10 बज चुके हैं और मैं मेहंदी लगवा के आ गई थी, ये देखिए दोनों साइड पर लगवा ली थी मैंने, इधर मैंने सिंपल बेल सी निकलवा ली थी और उधर बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है एक लड़की है। तो गाइस सब इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ। हलीन बहुत ज्यादा रो रही सच्ची में मेहंदी से ना, बहुत ज्यादा रो रही है हलीन, क्या होगा मेरे बच्चे मेहंदी है हलीन, दवाई क्या छोड़ा है मेहंदी देख के रोई रोई रही है हलीन, पता नहीं क्या हो गया यार देखो, ब्यूटी है बच्चे मम्मा की भी लग रही है हलीन, मम्मा ने भी लगा रखी ना मेहंदी, देख देख के रोई जा रही है, क्या हो गया है क्या हो गया है, मेहंदी है बेबी ब्यूटी मेहंदी होती है, ये देखिए मम्मा की भी कितनी सारी लग रखी हलीन का, यही सीन है। गाइस ये जो वीडियो है ये उस दिन का है, मतलब एक वीडियो में दो दिन लग गए हैं, जिस दिन मंडा था ना उसी दिन का था, और ये मेरी जो बड़े वाली ननद है ना उनकी लड़की है बड़े वाली, तो यहाँ पर जिस दिन टेवा वगैरह आता है ना जिसे सगन बोलते हैं वो आ रखा था, तो औरतें गीत गा रही थी और डांस वगैरह ये सब चल रहा था,
और ये मेरी जो बड़े वाली जेठानी है उसकी लड़की है, और रात में फिर घोड़चड़ी होगी, तो इसी वजह से आज दिन का जो प्रोग्राम है तो वो यही है। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने क्योंकि हरलीन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो गाइस अभी मैंने हरलीन को सुला दिया है और 6:30 का टाइम हो चुका है क्योंकि रात में है घुड़चड़ी, और अभी ज़्यादा मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। तो गाइस अब हो गई रात और अब इस वीडियो का मैं एंड करी क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें करी थी लेकिन वो मैंने सब वो कर दी हैं क्योंकि फिर वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो रही थी इसी वजह से। तो गाइस अब इस वीडियो का ना एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको घोड़चड़ी की व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।